जिला सिरमौर के पौंटा साहिब में खनन माफिया रोजाना यमुना नदी और गिरी नदी को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जहां पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, तो अब पौंटा वन विभाग की टीम ने भी मंगलवार माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टरों के चलान कर 1,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। वन विभाग के सख्त रवैये के कारण माफियाओं में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि नवादा और मातरलियों में पुलिस विभाग ने सख्ती से कार्रवाई कर माफियाओं में खलबली मचा दी है, तो अब बहराल क्षेत्र में वन विभाग की सख्त कार्रवाई माफियाओं को भारी पड़ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग के अधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद विभाग ने एसीएफ ट्रेनी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में दो टीम गठित की। विभाग की टीम में शामिल गोरखपुर फॉरेस्ट ब्लॉक के बीओ हरिचंद, वन रक्षक वीरेंद्र, विजय, अनीता, वन रक्षक हिमानी, अमरीक, काबुल सिंह आदि ने गिरी नदी व भराल क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान कुछ ट्रैक्टर मौके से भागने में कामयाब रहे, लेकिन टीम ने 6 ट्रैक्टरों को अवैध खनन करते रंगे हाथ दबोचा, जिनके चलान 1,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वही मामले की पुष्टि करते हुए वन विभाग के अधिकारी डीएफओ कुणाल अग्रिंश ने बताया कि वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब माफियाओं के खिलाफ टीमें गठित कर दी गई हैं और बहराल, नवादा, भगानी आदि क्षेत्रों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।